अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू शावनी व्लॉग। कैसे हैं आप लोग? सब ठीक ठाक? आज हम एक नए वीडियो बनाने जा रहे हैं नए अंदाज के साथ, जो आप लोग देख के इंशाल्लाह यकीनन आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा और मज़ा आएगा। आज इंडिया वालों के ऐड की बैंड बजाने वाला हूँ। इंडिया वाले ऐड बनाते ही ऐसे हैं कि उनकी बैंड बजाने में मज़ा आता है। तो आइए देखते हैं कि कैसी बैंड बजती है उन लोगों की। भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। एक्शन। माँ जी की कसम, तुम आग लगा दी। सर को एसिडिटी हो गई जी। ये लो सोडा जी। सोडा जी। सोडा जी। माँ जी की कसम, मुझे सोडा जी से प्यार हो गया है। आए। सोडा जी। बंदे को एसिडिटी हो गई हो और उसमें जो है ये भाई साहब अपने मुंह से आग निकाले जा रहे हैं क्योंकि पेट खराब हो गया है, एसिडिटी हो गई है। तो मतलब अगले को उसने जला दिया और जलाने के बाद वो लड़की लेकर आ रही है, सोडा जी पी लो तो आप सही हो जाओगे। तो सही हो जाओगे तो फिर इसके बाद फिर ऐड करते हैं। तो वो भाई साहब पीने के बाद जो है वो लड़की फिर सही हो जाती है और फिर इसके बाद ऐड बनने लगेगी और उसको लव हो गया। भाई क्या बात है, ब्रिलियंट आइडियाज हैं यार इन लोगों के पास। अभी तो ये शुरुआत है, आगे आगे देखें क्या होता है। हेलो चले क्या बात है, गायब। मिरेकल मिरेकल। हेलो फिर आ गई महक सिल्वर मेरा दिलबर। मैं क्या करूं फिर, जॉब छोड़ दूं? कहना क्या चाहते हो? ओह माय गॉड, यानी कि किसी को अगर तलब हो रही है तो मतलब वो पान मसाला खा ले, जब दिल चाहे जेब से निकाला, जेब ना हो गया, अलादीन का चराग हो गया, घिसते ही लड़की आ गई। ऐसा कैसे हो सकता है भाई, क्या सोच के बनाते हैं यार एड। कम से कम कुछ तो सोच लो, कुछ तो अपने यार क्या मैं बोलूं। ओ भाई मारो मुझे मारो, यानी कि जब दिल चाहा आपने जेब से पान मसाला निकाला खाया और आ गई फिर गायब। ओ माय गॉड, तो ऐसा कोई होता है क्या? पता नहीं। आचार खत्म। आचार खत्म। ओ माय गॉड, चीफ को बता दे। आचार खत्म। आज की ताजा खबर, आज की ताजा खबर, ब्रेकिंग न्यूज बन गई। एस्ट्रोनॉट राजा। ओ माय गॉड, तो बड़ा मसला हो गया भाई। अब क्या होगा, आचार खत्म, वहां आचार पहुंचेगा कैसे? मुझे क्या पता, मुझसे पूछे जा रही है बार बार। ओहो, यानी कि एक और लॉन्च करना पड़ेगा, वहां बंदे भेजने पड़ेंगे, वो चार के बगैर नहीं रह सकता भाई। ओहो उसकी माँ परेशान है बेचारी। ओए होए, अब क्या करें हैं? काका ये क्या है? ओहो ऐसा मैंने आप लोगों को कहा था कि ये लोग जो है ना कुछ भी कर सकते हैं, ये दुनिया के नए अजूबे लोग हैं, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है भाई, इंडिया में कुछ भी हो सकता है, कैसे भी इंडिया ये लोग जो है ना ऐड बना सकते हैं। तो देखा, मैं तो ये समझ रहा था कि ये अचार का ऐड है, तो पता चला भाई ये फैन का ऐड है यार, ये फैन का ऐड, और ये फैन का ऐड है इस तरह। आपने सुना होगा कि इंडिया में इतना इन्होंने जो है वो चांद पे गया, वहां पर इतना खर्चा करने के बाद, तो भाई इतना खर्चा करने की जरूरत क्या थी? इस ऐड को देख लेते हैं, इतनी पुरानी ऐड ये भी है, कोई नई ऐड तो नहीं है, पुरानी ऐड है, आप उसको देख लेते, छह फैन लगा लेते और उसको हवा में बिठा के और पहुंचा देते ऊपर। कुछ भी। ओह माय गॉड, मतलब एक अचार पहुंचाने के लिए छह फैन लाओ और पहुंच जाओ ऊपर,
तो भाई आप इतना खर्चा क्यों करते हो यार, क्यों इतनी पढ़ाइयां करते हो, क्यों इतना खर्चा करते हो, आप सिर्फ 6 फैन लगाओ और पहुंच जाओ ऊपर, सीधा ऊपर। कुछ भी। मैं आपको फोन कर रही हूं, कोई देख रहा है मुझे। ओ भाई साहब, मतलब क्लाउड इतना सारा है, वहां ये चीख पुकार कर सकती तो 10 लोग इसको बचा सकते थे, मगर नहीं, भागे जा रही भागे जा रही भागे जा रही भागे जा रही। ऊपर चढ़ने के बाद फिर ये जो है फिर बोलती है, अब मैं कहाँ जाऊँ। अरे ऐसा क्या, वहीं भाई खड़े रह के चिल्लाती तो कुछ हेल्प भी हो जाती, फोन वोन कर लेता कोई ना कोई, वो खुद के पास भी फोन था, फोन कर लेती पुलिस को, मगर नहीं। ओहो, ये ऐड है किस चीज की? अरे तेरे को कुछ भी करने नहीं आए, वो तेरे हाथ में जो मोबाइल है वो कहाँ से लाए बोल के पूछने के वास्ते आए। ये फोन तो कुबा मोबाइल से ली। कुबा मोबाइल। तो इतनी भाग दौड़ करने की होती भाई, आप खड़े रह के पूछ लेते, आवाज लगा लेते हैं कि भाई आपके ये क्या है, ये कौन सा मोबाइल है, कहाँ से लिया, या क्या दुनिया में एक ही है, एक ही जगह मिलती है क्या मोबाइल, हजारों मोबाइलों की दुकानें हैं, आप वहां से परचेज नहीं कर सकते, हजारों लोग आपके सामने खड़े हुए, वहां से आप लोग पूछ नहीं सकते हैं, फिर ऐवे ही पूछे जा रहे हैं, ऐसे ही पीछे भागे जा रहे हैं, और कोई मदद भी नहीं कर रहा, कोई पूछ भी नहीं रहा। बताओ यार कैसे ऐड बनाते हैं, पता नहीं क्या पी पिला के बनाते हैं लोग। Oh my God! The Ruby General Store. Yes, madam. Okay, send me 7 kilo rice, 3 kilo sugar, 1 packet biscuit, 2 shampoo bottles, 1 packet salt and ketchup. Which ketchup? Same. Which ketchup, madam? Same, da. Yo, which ketchup, madam? यार ये अच्छे खासे बोलते बोलते इसके गले में क्या हो गया? एक्टिंग की औलाद, तेरे को बराबर होता नहीं क्या बोलने को? गले में अच्छी खासी आवाज होते होते ये क्या विक्स की जरूरत पड़ गई? ये कौन सी ऐड है भाई? देखते हैं आगे क्या होता है, कि ये पिछली की तरह ऐसा तो नहीं अचार की जगह फैन की ऐड थी, इस बार भी कुछ ना कुछ धमाल होने वाला है। आओ देखते हैं आगे। काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए कट ओवर एक्टिंग के वजह। ऐसे कौन बोलता है भाई हैंस, आराम से प्यार से बोल सकते हो तो फिर क्यों इस तरह की ऐड? ओह माय गॉड, यानी कि इस ऐड के बारे में आदमी क्या बोले यार, ये तो टट्टी है, अब मजीद क्या बोले, आप तो समझ सकते हैं भाई, बुरा नहीं मानना, होता है ऐसे बड़े शहरों में ऐसा ही होता है। नरेश, सुरेश, बहुत दिनों बाद, कैसा है यार? बस फर्स्ट क्लास। ए, ये क्या कर लिया, तोंद वोंद बढ़ा लिया? अच्छा बहुत दिनों से तो घर नहीं आया, चल घर चल। अभी यार नहीं, कुछ काम है। अभी चलना यार, प्लीज घर चलना, चल रहे कभी यार। क्या फिर कभी? क्या बदमाशी हो रही है? ओह माय गॉड, ये दोस्त है कि दुश्मन? चल एक बार बोला ना चल, मतलब चल। खंजर उठा लिया, बच्चा भी तड़ी लगा रहा, चलो चल। ओह अच्छा यार, मैं तो ये समझ रहा हूँ कि ग्रीन लैम ये लोग जबरदस्ती, मतलब कुछ भी। ओ भाई ये ऐड देखने के बाद तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको पता है कि मेरा भी इंटीरियर का काम है, मैं डिजाइनिंग करता हूँ, तो यानी कि ये ऐड देखे तो मुझे भी आइडिया आ गया कि मैं यार लोग जैसे मुझे दोस्त यार मिलते हैं करते हैं, कजन वगैरह मिलते हैं, आपको तो पता है, तो मैं भी अब इस तरह जो है लोगों को दिखाओ कि भाई मेरा काम देखो, मेरा कैसा बनाया मेरा घर, तो मैं भी इस तरह करूँ यार। क्या ब्रिलियंट आइडिया है यार, यानी कि अब तो ये ऐसा लग रहा है, ये ऐड देखने के बाद तो ऐसा लग रहा है मुझे भी, मेरी दिमाग की बत्ती, मैं सोच रहा था
कि यार मैं अपनी काम की एडवर्टाइज किस तरह करूं, किस तरह लोगों को दिखाऊं, करूंगा मैं भी उनको जबरदस्ती लेकर आऊंगा, उनको काम दिखाऊंगा, देखो भाई मेरा काम कैसा लग रहा है, अच्छा लग रहा है, आया मेरे से बनवाना आइंदा, अगर नहीं बनवाया ना तो चीज के पार कर दूंगा। Just kidding, guys. ठीक है ब्रिलियंट आइडिया यार, अब मैं भी ऐसे ही करूंगा। अगर ऐसी वीडियो और भी देखनी है तो इस वीडियो को लाइक करें। ये मेरा पहला एक्सपीरियंस था तो मैंने ये आप लोग के साथ शेयर किया, और आप मुझे बताएंगे कि ये आप लोग को वीडियोस कैसे लगे, ये आइडिया कैसा लगा। बैठे बैठे मेरे दिमाग में आया था, मैंने बस सोचा यार कुछ नहीं तो यही करें और इसको बनाते हैं, दिखाते हैं इंडियन की एड। भरपूर और भी एड्स हैं जिसके बारे में चर्चा की जा सकती है, ठीक है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इंशाल्लाह यकीनन आपको मज़ा आया होगा। अगर मज़ा आया तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और हमें बताइएगा, ठीक है। वीडियो को शेयरिंग करना मत भूलिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इंशाल्लाह। आपके लाइक से हमें पता चलेगा कि आपको कैसे लगी ये वीडियो, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह।